हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने तोड़ा था उसका मुझे गर्व है, इसके लिए सीबीआई कोर्ट ने बराबरी कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर सीबीआई कोर्ट को सजा सुनाती उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, कानूनी विचार किया जाएगा। देखिए, अगर सीबीआई कोर्ट ऊपर जाएगी वहाँ भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो सीबीआई कोर्ट है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात मान चुकी है कि वो स्थान विवादित स्थान वहाँ पर राम मंदिर था, तो सीबीआई कहाँ जाएगी। तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो ढांचा गिराया था, आप अभी भी बिल्कुल गिराया था, गिराते तो तभी तो मंदिर बना है। अगर 6 दिसंबर 1992 को हम ढांचा ना गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता। कोर्ट में जब आप अंदर गए आपने कहा कि आप लोगों ने साजिश नहीं रची, नहीं गिराया था। चुके हम ये बात कह चुके, यस हमने गिराया था। लेकिन अदालत तो कह रही है कि कोई जो फोटोग्राफ नहीं थी इस वजह से जो कोई साजिश कोई पूर्ण नियोजित नहीं थी। आप लोग पहले से प्लान करके गए थे क्या? हमारा ध्येय था कि वो गिरना चाहिए। 90 में मुलायम सिंह ने नेहथे कार सेवकों को गोलियों से भूना था, पत्थरों से बांध के डेड बॉडी ऑफ सर्वे में डाल दिया था। हमारे परम श्रद्धेय जो हमारे नेता अशोक सिंघल जी, उनका भी सिर फाड़ दिया था। ये सब चीजें हमने देखी थी, उसको लेकर क्रोध था कि जब कभी कार सेवा होगी तो ढांचा टूटना चाहिए। आप लोग पूर्ण नियोजित साजिश के तहत वहां गए थे। हमारा पूरा एजेंडा था कि बचना नहीं चाहिए, बचना टूटना ही चाहिए, ये हमारा भाव था। और भाव के साथ साथ हनुमान जी कृपा हुई, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, हर एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आगे थे। अभी जब जो कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था आप लोग कोर्ट में ही मौजूद थे, क्या माहौल था? उसके बाद में जब फैसला हुआ उसके बाद में क्या? सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। प्रभु राम ने सबके कृपा करी, हनुमान जी ने कृपा करी, हिंदू राष्ट्र जीता, हिंदू जीता। अगला जो हमारा एजेंडा है मथुरा और काशी, उसकी है तैयारी। एक सवाल और, आडवाणी जी खुद यहाँ पर क्या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या जो बाकी लोग जो लोग 6 लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे क्या? कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े नहीं जुड़े, लाइव हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनके वकील आए हुए थे, क्योंकि कोई बीमार है, कोई ओवर एज है, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे। कोर्ट ने उनकी हाजिरी मान ली और फैसला सुना। और कोर्ट के फैसले के बाद आखिरी सवाल, कोर्ट के फैसले के बाद आप सब लोग जो जितने आरोपी वहां पर थे, क्या आप लोगों ने आपस में क्या बात की? हमने एक दूसरे को बधाई दी, जय श्री राम कहा, धन्यवाद किया, अगली मथुरा काशी की तैयारी की, हमने बात की। कोर्ट रूम में जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम, सबने एक दूसरे को कहा। तो ये है जय भगवान गोयल, आरोपी है। अदालत ने कहा कि कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, लेकिन अभी अदालत के ठीक फैसले के बाद में कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सोच के गए थे कि हमको ये ढांचा गिराना है, और अदालत ने जो हमको बरी किया, अदालत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद में कोर्ट रूम में ही एक दूसरे के गले मिले हैं और जय श्री राम के नारे लगाए हैं।